का माता पुत्र भाई भाई, आप जिस रूप में आज आप मर्यादा मार्गी व्यक्ति जिसका कोई ब्रह्म संबंध नहीं, वो हाथ जोड़ के जब ठाकुर जी को बोलता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव, और अपन लोग पूछ रहे हैं कि मेरे और ठाकुर जी को संबंध का धिक्कार है ऐसी वैष्णवता पे, तुमको अभी भी नहीं पता मेरे और ठाकुर जी को संबंध का? अरे कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृतिर स्वभावान करोमि यद्यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, लोग बोल रहे हैं और तुम पूछ रहे हो मैं ठाकुर जी में सेवा कैसे करूं? वो कह रहा है जो कुछ बचा है शरीर में मैं सब प्रभु को समर्पित करने को तैयार हूं। मर्यादा मार्गियों को इतनी बुद्धि है और पुष्टि मार्गी व्यक्ति पूछ रहा है सेवा निभे कैसे, सेवा कैसे करूं, सेवा तो बहुत कठिन है, सेवा में तो इतनो है, सेवा में तो समय देना पड़े, फिर सेवा में अपन बंध जावें। अरे तुम कौन सी चीज से नहीं बंधे हो आज तक, किस प्रकार के अनुशासन से नहीं बंधे हो? तुम पे जितने प्रकार के अनुशासन लादे गए उन सबसे तुम लौकिक वैदिक में जकड़े हुए हो, केवल एक ये सेवा रूपी बंधन ही तुमको बंधन लगता है? जो जो सहज धर्म है, जो आत्म धर्म है, जो भगवत धर्म है, वो तुमको आड़े आता है? ये तो तुम कौन सी ब्रीड क्रीड कम्युनिटी हो, ये तो मुझे ही आज तक समझ में नहीं आता। ये सेवा से दूर भागते हो, सेवा से दूर मत भागो। सेवा अपना सहज धर्म और सहज कर्तव्य है, और इसी कारण से स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्यक्वापि कदाचन और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो धर्म कर्म रूप महाप्रभु जी ने हमको अगर कुछ दिया है तो हमारा गौरव हमारा सेवा मार्ग है, और इस सेवा मार्ग से जुड़ने का जो प्रथम कल्प है वो प्रथम कल्प ही ब्रह्म संबंध है। आज मैं इसके लिए आपके सामने एक छोटा सा लेख, खास इन सब चीजों को मैं जो चीज बोला हूं अभी तक उन चीजों को और विस्तार करने के लिए मैं एक आपको एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का एक लिखा हुआ लेख आपको बताऊंगा। यद्यपि उसने ये जब लेख लिखा तो उसका हृदय बहुत व्यथित था, और व्यथित इस कारण से था क्योंकि उसने एक जमाने में हुए महाराजा लाइबल केस में संप्रदाय के लिए लड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से कोर्ट की जजमेंट और जो वर्डिक्ट आया वो संप्रदाय के फेवर में उस काल में नहीं आया। तो जब जिस समय में उनको ऐसा लगा कि इतनी मेहनत किए बाद भी ये नोटोरियस महाराजा लाइबल केस ने संप्रदाय को बहुत क्षति पहुंचाई, तो जिन लोगों ने संप्रदाय को क्षति पहुंचाई उन सबको एक चकाचक उत्तर देने के लिए उन्होंने समस्त टीकाकारों के अभिप्राय से युक्त पूरे इस सिद्धांत रहस्य ग्रंथ को और इसके साथ की समस्त टीकाओं को उन्होंने छापा, और एक ऐसा तमाचा उन्होंने समाज में उस वर्ग के ऊपर मारा जिसने संप्रदाय के सिद्धांतों को गलत ढंग से ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था। तो आज उनका जो एक संकल्प रहा संप्रदाय की रक्षा में वो भी बड़ा ही स्तुत्य है। इसलिए मैं अपने आज के विषय को आपसे डिस्कस करने के पहले एक स्लाइट रीडिंग उसके साथ करके कुछ ब्रह्म संबंध विषय गंभीरताएं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। ये थोड़ा ब्रह्म संबंध के प्रकार को भी टेक्निकली और लीगली समझा रहे हैं, आप जरा सब जन ध्यान से सुनिएगा इसको। आई एम सॉरी। ड्यूरिंग हिज विजिट टू व्रज वल्लभा सेट अप द श्राइन ऑफ शिनाजी ऑन द होली हिल गोवर्धना इन अ टेम्पल बिल्ट फॉर दैट पर्पस बाय वन पूरण मल क्षत्रिय। ड्यूरिंग हिज स्टे इन व्रज on the midnight of 11th day of the bright half of Shravana, he says he had the holy communion with the Lord Krishna, who commanded him to initiate jivas in his service. This initiation consists of two parts. One is the formula to be repeated by the aspirant before the deity by holding tulsi leaves in hand and afterwards placing the same at the feet of the deity through Acharya. And the other part is the effect of the same on the devotee by which he becomes the adhikari in the seva marg of Lord Shri Krishna. The subject of the present treatise is the same. In the notorious Maharaja libel case, this work with its commentary by Gokulnath ji was cited by the defendant to show The subject of the treatise is the same. In the notorious Maharaja libel case, this work with its commentary by Gokulnath ji was cited by the defendant to show that the religious tenets preached by Vallabhacharya in his grandson sanctioned immoral practices. This is the most perverted use made of the noblest of works.
एट दिस डिस्टेंस ऑफ टाइम इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू सी हाउ मच अ मॉन्स्ट्रस सजेशन कुड हैव बीन मेड. वल्लभाचार्य's होल लाइफ वॉज बेस्ड ऑन वैराग्य. इन ऑल हिज वर्क्स ही इंसिस्ट ऑन वैराग्य एज द फर्स्ट भगवत धर्म. हिज लर्नेड डिसेंडेंट पुरुषोत्तम जी सेज आचार्याणाम तात्पर्यम त्याग एव. It was unfortunate that all the materials available were not placed before the court. The court was prejudiced by the highly colored testimony of the descendant's witnesses, general ignorance of the tenets of Vallabhacharya, and a desire not to give publicity to the works of Sampradaya helped to create an atmosphere prejudicial to the reputation of the Sampradaya. To add to this, the life led by a few of priestly class suggested an inference against them. Of course, we have no doubt that Yadunath ji Maharaj, ye jin pe case hua tha, Yadunath ji Maharaj, who was instituted the libel case, has not got justice in court. By a perusal of the evidence led in the case against the Maharaja, we are driven to conclusion that the verdict of the court as regards Vallabhacharya's teachings is entirely wrong. We are of opinion that publication of this whole work with all the commentaries is the best answer to all the misconceptions about and false allegations against the Sampradaya. Ab ye likhte hain, let us first see what is thought by Vallabhacharya and his grandson Gokulnatha and others. In the Sampradaya, there are two rites generally performed. There is Sharana Mantropadesh and Atma Nivedan. The first give recognition as a Vaishnav and the second one makes one Jiva an Adhikari in Seva Marg. The first initiation is given by descendant Vallabhacharya by repetition of the mantra Shri Krishna Sharanam Mama in the ears of the child and then putting the Tulsi Kanti on his neck. The performance of the second initiation is through a descendant of Vallabhacharya. In both the initiation, age is not to be considered. It is an accepted belief in the Sampradaya that Vallabhacharya alone is the Acharya. And all his descendants, howsoever illustrious, have never claimed anything further than being recognized as the Guru Dwar. Aur main aap uske ka praman bataunga. Ye jo keh rahe hain ki humme se kisi ne bhi apne aap ko acharya ghoshit nahi kiya. Wo kis arth mein hai main aapko bataunga. Aaj bhi har vallabh kul balak apna parichay aise hi likhte hain. Jagat Guru Mahaprabhu Srimad Vallabhacharya Vamshavatan. जगतगुरु महाप्रभु कौन है? श्री वल्लभाचार्य. और उनके वंश में हम अवतरित हुए हैं. हम जगतगुरु वल्लभाचार्य हैं, ऐसा हम कहीं नहीं लिखते. और हम वल्लभ कुल, वल्लभ के कुल में हैं फर्स्ट. सेकंड, गोसाई बालक या गोस्वामी बालक मतलब गोसाई जी की संतति. हमने कभी अपने आप को जगतगुरु नहीं बताया. जैसे आज भी आप देखेंगे शंकरों में ये पद्धति है. शंकरों में अभी के आचार्य को भी, गादीपति को भी आप शंकराचार्य बोलोगे. पुरी के शंकराचार्य, बद्री के शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य. तो आप जैसे उनको आज आदि शंकराचार्य के स्थान पे देखते हैं और उनको भी शंकराचार्य ही संबोधन मिलता है. वैसे हमको कोई नहीं बोलता ये वापी के वल्लभाचार्य हैं या ये मुंबई के वल्लभाचार्य हैं, ऐसा नहीं. हम वल्लभाचार्य वंशावतंस हैं क्योंकि हमने वो एक स्टेटस मेंटेन किया है कि हमारे यहाँ आचार्यत्व, मूल आचार्यत्व तो आचार्य त्रयी में ही है. श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय मतलब श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी, इनमें ही हम आचार्यत्व मानते हैं. और भावनात्मक क्रम से परंपरा प्राप्त जो धर्मी स्वरूपवत अपन दिग्दर्शन करते हैं और कराए जाते हैं, वो हम श्री गिरधर जी में भी, हमारे मूल पुरुष में भी हम करते हैं. और इसी प्रकार से तत्त घर के जो भी लोग हैं वो अपने अब तत्त मूल पुरुषों में गोविंद राय जी के वंशज गोविंद राय जी को, बालकृष्ण जी के वंशज बालकृष्ण जी को, गोकुलनाथ जी के वंशज गोकुलनाथ जी को. और इसी कारण से आप देखो उनका गादी तिलक होता है. गादी तिलक किस चीज पे होता है? भाई गोकुलनाथ जी के घर का जो ग्रहाधिपति होगा उसका गोकुलनाथ जी की गादी पे तिलक होगा, उसका रघुनाथ जी गादी पे तिलक होगा, उनका घनश्याम जी गादी पे तिलक होगा. लेकिन तिलकायत का तिलक कहाँ होता है? तिलकायत का तिलक श्री गोसाई जी की गादी पे होता है. गिरधर जी की गादी पे भी नहीं होता. गिरधर जी के गादी का तिलक प्रथम पीठाधीश्वर का होता है. जो प्रथम ग्रहाधीश्वर होंगे कोटा में, जो गादीपति बिराजेंगे, उनका तिलक गिरधर जी के स्थान पे होगा. लेकिन तिलकायत, तिलकायत तो आज भी जो श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी की सेवा में मुख्यतया आप विराजमान हैं, उनका तो महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी गोपीनाथ जी की गादी पर ही तिलक होता है. तो ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के कोई भी डिसेंडेंट्स ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि हम ही वल्लभाचार्य हैं.
नहीं, हम वल्लभाचार्य नहीं, हम गोस्वामी बालक हैं, हम श्री गोसाई जी के बच्चे हैं, उनके वंशज हैं। Thus the initiation is believed to be done by Vallabhacharya himself through the instrumentality of his ignate descendants. The dedication is to the Lord Krishna and not to Acharya, as will be presently shown. It is monstrous to substitute the word Acharya in place of Krishna and then to charge Vallabhacharya that he preached immorality. It would be a cruel injustice to one of the greatest saints and philosophers of India. The vow repeated at the time of Atmanivedan ceremony is this. इन्होंने पूरा यहाँ पे सहस्त्र परिवत्सर से लेकर और तवास्मी तक पूरा गद्य मंत्र इन्होंने छापा, और जब इन्होंने ये पूरा गद्य मंत्र पंचाक्षर सहित छापा है तब ये लिख रहे हैं कि we have published the gadya after a considerable hesitation. We know that some Vaishnavas will feel annoyed by this act of ours. But we have, after a long deliberation, come to the conclusion that the mission of Shri Vallabhacharya would be fulfilled better by the publication of the same by ourselves in correct form, rather than allow the culminators of the Sampradaya to publish the same in a distorted form and thereby heap mischievous allegations on his fair name. However, for those who cannot see eye to eye with us on this question, we can do no more than give a reply in the words of Purushottamji, the greatest scholar of the Sampradaya, yadyapi maduktau margarahasya prakashana aparadha ayati, tathapi prakashanasyanyeraiva kritatvena, tadartha sandeha varanasyaiva martkritaya, swotkarsha prakashanarthatvad bhavad bhagavan shrimad acharya charanansha mad aparadham kshamantviti vigyapayamati dik. Siddhant Rahasya Tika Prashta 37 pe. The followers of Gokulnaji repeat Shri Gopijan Vallabhai after the word Krishnaya. Some repeat Dehendri, Dehe Pranendri, etc. instead of Dehendri, etc. Some repeat Vittam Iha Parani instead of Vitteha Parani. Substantially, this is the correct reading. Karke inhone pura wahan pe upar Gadya Mantra chhapa. Gadya Mantra chhapke ye likhte hain. Above we have related the current practice and belief in the Sampradaya, but we must admit that in the known writings of Vallabhacharya, it is nowhere mentioned that this initiation should take place only through him or his descendants. Vallabhacharya does not seem to insist that any particular person should initiate you. Of course, it goes without saying that the person who initiates and the person initiated must be spiritually exalted. In his Nibandha, while discussing the question as to who can be a guru, he observes as follow. Krishna seva param viksha dambhadi rahitam naram Shri Bhagavata tattvajnam bhaje jigyasuradarat tadabhave swayam vapi murtim kritva hare kvachit Paricharyam sada kurya tadrupam tachyata sthitam. His commentator here observes as follows. Kaler balishtatva agrimeshu guru lakshana bhavam alochya sasminnevaitan margiya gurutvam niyachantahu. Putting together these two statements, we can easily understand how the idea of Srimad Acharya's presence was always considered necessary at the time of initiation. Vallabha's descendants even to this day initiate their pupils not in their own name and responsibility, but in the name of responsibility of Sri Vallabha. This initiation is referred to as Brahma Sambandh by Vallabhacharya in the present work, Siddhant Rahasya. The necessary qualification of initiated is Bhagavat Kripa, which can be inferred from one's inclination towards the Bhagavan Marga. Thus, the Kripa Yukta soul has to dedicate his everything to Lord Krishna through Srimad Acharya and proclaim himself as the Das of Krishna. This is what is known as Brahma Samman, and it is in this sense interpreted by all the commentators here. Gokulnath ji says, ab ek ek ki aap dekho par ye definition de rahe hain ki kya dhang se define aur describe kiya hai Brahma Sambandh ko ek ek commentator ne. Matlab jab Brahma Sambandh karanat sarvesham deha jivayo ho sarva dosha nivrittir hi dosha pancha vidha smrita ye shlok aaya. और जब सबसे पहले ब्रह्म संबंध वर्ड इन एग्जिस्टेंस सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में आया है तब अब देखो कैसा होता है. श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते. ये पहला प्रतिज्ञा वाक्य हो गया. तुरंत ग्रंथ शुरू कहां से हुआ? ब्रह्म संबंध करना. तो ब्रह्म संबंध सबसे पहला शब्द सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में आया. अब इसकी टीकाकार कैसे व्युत्पत्ति करते हैं आप देखो. सबसे पहले यहां बता रहे हैं कि गोकुलनाथ जी मतलब चतुर्थ कुमार, वो टीका में क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं ब्रह्म संबंध करणम नाम एतन मार्गी आचार्य द्वारा भगवन निवेदनम.
भाई ब्रह्म संबंध क्या है, ब्रह्म संबंध है एतन मार्गीय आचार्य द्वारा भगवान को निवेदन, अपना जो भी कुछ है वो अपने मार्गीय आचार्य के द्वारा अपने ठाकुर जी को निवेदन करना, इसको ब्रह्म संबंध करना कहते हैं। अभी ब्रह्म संबंधित होने के लिए ब्रह्म संबंध करने आना चाहिए। ब्रह्म संबंध लेना है, ब्रह्म संबंध देना है, ऐसा लेना देना कुछ नहीं होता, ब्रह्म संबंध करना है, ये सही बात होनी चाहिए कि हमको ब्रह्म संबंध करना है ऐसा। लेकिन आजकल बोलचाल में क्या हो गया है, जैसे हमको कंठी लेनी है, कंठी देनी है, ऐसा ब्रह्म संबंध लेना है, ब्रह्म संबंध देना है, ऐसा तो लेन देन सब, अब लेन देन आ गया, काम पूरा हो गया। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रघुनाथ जी, अब श्री रघुनाथ जी गोकुलनाथ जी से छोटे पुत्र, ब्रह्म संबंध मीन्स दिस, बृहत्वात् ब्रह्म पुरुषोत्तम तत्संबंधित तस्मिन् देहात्मनोर निवेदन लक्षण। जो बृहत्वात् ब्रह्म, जो बढ़ता ही रहता है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म कौन है, वो पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम के साथ संबंध स्थापित करके देह आत्मा और मन का निवेदन करना और उसका जो लक्षण भूत संस्कार है वो ब्रह्म संबंध है। तीसरा कल्याण राय जी कौन है, श्री हरिराय जी के पिता, गोविंद राय जी के पुत्र। कल्याण राय जी से ब्रह्म संबंधो नाम स्वमार्गाचार्य द्वारा भगवती निवेदनम, ब्रह्म संबंध है अपने मार्ग के आचार्य द्वारा प्रभु को सब कुछ निवेदन करना। व्रजोत्सव जी नाम के एक टीकाकार हैं, वो लिख रहे हैं ब्रह्म संबंध करणम नाम साक्षात पुरुषोत्तम संबंध करणम तच्च श्रीमद आचार्य द्वारा शरण गमन पूर्वकम, श्रीमद आचार्य की शरण गमन पूर्वक ब्रह्म संबंध करणम नाम साक्षात पुरुषोत्तम संबंध करणम, साक्षात प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम के साथ अपना संबंध जोड़ना, ये ब्रह्म संबंध है। फिर गोकुलोत्सव जी बता रहे हैं ब्रह्मण श्री पुरुषोत्तम से संबंधी करना सर्व समर्पण तदीयत्व संपादनात्। गोकुलोत्सव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मण श्री पुरुषोत्तम अस्य संबंधी करणात् सर्व समर्पण तदीयत्व संपादनात्, अपना सब कुछ समर्पण करके उनका तदीयत्व संपादित करना, इसको ब्रह्म संबंध कहा जाता है। फिर श्री हरिराय जी ने पूरी जो विवृत्ति की है सिद्धांत रहस्य पे वो पूरी पद्यात्मक है, मतलब पोइट्री है, वो खुद भी छंदोबद्ध है, मैं आपके आगे सामने पढ़ूंगा और उसका फिर तात्पर्य आपको बताऊंगा। आदौ संबंध करणम कन्या एव स्वयंवरे स्वस्य सर्व पदार्थानां मनसा तेन योजनम संबंधवत्यादूत्येव गुरुणा तत्कृतिर्भवेत् संबंधनश्चापि निर्दोष तथा सर्व समस्मृतः वन्येरिवेति बोधाय प्रोक्तं ब्रह्म पदं पुनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म त्यक्तोक्तो तत्र तथा विधम स्याप्रयुक्ते कृष्णपदे विषयत्वं गुणाहिति संबंधे तादृशापेक्षा नास्ति दोष निवारणात् दोषमात्रार्थ निवृत्त्यर्थं ब्रह्म संबंध उच्यते। ये कह रहे हैं सबसे पहले तो इसमें दो दृष्टांत ये देते हैं और इनकी पूरी टीका जब हम देखेंगे तो हरिराय जी की टीका में भी ये सार मालूम पड़ेगा कि दो ढंग से इन्होंने ब्रह्म संबंध संस्कार को डिफाइन किया है। पहला यज्ञोपवीत संस्कारवत, जैसे गायत्री का उपदेश मिलने पर ब्रह्म जीव का वरण करता है और जिससे उसको वेदाधिकार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म संबंध की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाने पर श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम गोवर्धन धर श्रीनाथ जी तुम्हारा वरण करते हैं और तुमको अपना सेवाधिकार, जैसे यज्ञोपवीत यज्ञ के लिए अब तुम उपवीत, मतलब अब तुम लाइसेंस्ड हो कि अब कोई भी प्रकार से श्रौत स्मार्त कर्म तुम यज्ञ याग कर सकते हो, उसी प्रकार से पुष्टि पद्धति से कृष्ण सेवा परायण जीवन जीने के लिए जो तुमको लाइसेंस दिया जाता है, जो तुमको एलिजिबिलिटी और मेंबरशिप दी जाती है, वो तुमको ये ब्रह्म संबंध के माध्यम से देती है फर्स्ट। और सेकंड दूसरा कि जैसे स्वयंवर में एक कन्या अपने खुद के पति का वरण करती है कि हाँ मुझे ये प्रिय, मैं इसका वरण करता हूँ, वैसे जहां पे जाके जीव ब्रह्म का और ब्रह्म जीव का वरण करता है और जो जो समय वरण का साक्षी है जहां पे वो आचार्य होता है, उस पूरी प्रक्रिया को ब्रह्म संबंध कहते हैं। इन ढंग से भी श्री हरिराय जी ने वहां समझाया है। उसके बाद एक विठल राय जी करके टीकाकार है, वो कह रहे हैं ब्रह्मणा मया संबंध कार्य, कि भाई ब्रह्म ने जहां मेरे साथ संबंध स्थापित किया है वो ब्रह्म संबंध है। फिर एक गिरधर जी नाम के टीकाकार हैं, वो कह रहे हैं अस्मिन् मार्गे यशोदोत्संग लालित श्री कृष्णस्यैवोपास्यत्वात् तस्य चाग्य लोके अवतार मात्र भ्रमत्वादत्र तद्यावृत्त्यर्थं ब्रह्म पदोपादानं तेन ब्रह्मणा सह देह जीवयोर
संबंध स्वमार्गीय निवेदन तदीयत्व संपादन लक्षण। बोले यहाँ पे कृष्ण संबंध शब्द क्यों नहीं दिया? अगर ठाकुर जी से ही संबंध हो रहा है तो कृष्ण संबंध देना चाहिए नाम। वहां ब्रह्म संबंध क्यों नाम दिया? तो उसको समझाते हुए बता रहे हैं, ब्रह्म संबंध इसलिए दिया कि जिस समय कृष्ण का अनवतार काल चल रहा हो, जिस समय कृष्ण का अवतार काल न चल रहा हो, उस समय भी जीव का संबंध जिस रूप से होता है वो ब्रह्म का सर्वव्यापी रूप होता है। तो क्योंकि प्रभु सर्वव्यापी सर्व जगत नियंता ब्रह्म रूप से समग्र वेदादि शास्त्रों में सर्वत्र विराजमान है, इस कारण से यहाँ भी श्रीमद आचार्य चरण्य और स्वयं श्रीनाथ जी ने यह विवेक रखा है कि वहां ब्रह्म शब्द के साथ ही संबंध जोड़ा है। और ब्रह्म शब्द से संबंध जोड़ने का एक तात्पर्य और बताया है कि सर्व दोष निवृत्ति रही, सब दोषों को निवृत्त करने का कार्य कृष्ण का नहीं है, वो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का है। तो अक्षर ब्रह्म से प्रथम संबंध होने पर, फलदशा में पुरुषोत्तम संबंध होने पर भी इस चीज इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को श्री हरिराय जी भी बिलीव करते हैं और उन्होंने भी अपनी विवृत्ति में इस चीज पे प्रकाश किया है। और लास्ट एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है लालू भट्ट जी ने। लालू भट्ट जी बालकृष्ण भट्ट हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध टीकाकार हैं, इनकी सुबोधनी पे योजना है, इनके निबंध पे टीका है, मतलब ये लालू भट्ट जी का तो बहुत योगदान संप्रदाय में सभी जानते हैं। मैं केवल इनकी टीका का यहाँ पे सारांश देना चाहूंगा कि ब्रह्म संबंध ब्रह्मणा सह संबंध स्वस्वामी भाव लक्षणों देहेन्द्रिय प्राणंत कर्ण दारगार पुत्रादीनाम आत्मनश्च तदीयत्वमिति यावत् तस्य करणात् गद्य सहित पंचाक्षर निवेदन मंत्रस्योपदेशेन स्फुटीकरणादित्यर्थः। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मणा सह संबंध, ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित होना क्या है? स्वस्वामी भाव लक्षणों, पहले स्वस्वामी भाव लक्षण आना कि ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका सेवक हूं और इसीलिए मैंने मेरा देह, मेरी इंद्रिय, मेरे प्राण, मेरे अंतकरण, अंतकरण मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और दार, दार मतलब स्पाउस, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि पत्नी या पति, पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति का, जिसको कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पाउस, स्पाउस, दार, आगार, आगार मतलब घर, पुत्र, पुत्र मतलब ऐसा नहीं कि पुत्री का वहां नहीं हुआ, पुत्र मतलब संतति, पुत्र और पुत्रादीनाम आत्मनश्च और मेरी खुद की आत्मा का भी, इन सबों में प्रभु का तदीयत्व संपादन हो, तदीयत्व इति यावत् तस्य करणात् और उसको करने के लिए मैं गद्य सहित पंचाक्षर निवेदन मंत्रस्योपदेशेन स्फुटीकरणादित्यर्थ। इसी को यहाँ पे स्फुट करने के लिए बताया है कि उसको करवाने के लिए गद्य सहित पंचाक्षर का निवेदन मंत्र उपदेश, निवेदन मंत्र उपदेश। मैंने आपको कहा था ना कि ब्रह्म संबंध संस्कार में जैसे यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री मंत्रोपदेश होता है, वैसे ही ब्रह्म संबंध रूपी संस्कार में पंचाक्षर मंत्रोपदेश होता है। तो पंचाक्षर मंत्र का दान किया जाता है, मंत्र दान करना दीक्षा नहीं है, मेरी बात समझना, दीक्षा है मंत्र की प्रयोग शक्ति प्राप्त करना। दीक्षा में क्या होता है? मंत्र के प्रयोग की शक्ति अपने में आना। अरे मंत्र तो बहुत से रिटर्न फॉर्म में भी मिलते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलते हैं, बहुत लोगों को बहुत से मंत्रों के बारे में मालूम होता है, पर तो क्या वो सब मंत्रों में अधिकार आ जाता है क्या व्यक्ति का? दो वस्तुओं को समझो, एक होती है वस्तु योग्यता और एक होता है अधिकार। संभव है कि कोई व्यक्ति में मुझसे ज्यादा योग्यता हो लेकिन उसके पास वो अधिकार हो जरूरी नहीं है, और अगर अधिकार मेरे पास है और मेरे में उतनी योग्यता ना हो तो भी अधिकार के बल पे मैं कोई वस्तु दे सकता हूँ, दूसरा नहीं दे सकता, ये वैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पे ब्रह्म संबंध क्यों? अब ये भी पीछे जो इंग्लिश में टीकाकार है, ये इंग्लिश टीकाकार तो क्या लिख रहे हैं? ये तो लिख रहे हैं ऐसा वल्लभाचार्य जी ने कहीं नहीं लिखा है कि मेरा वंशज ही ब्रह्म संबंध कराएगा। अरे पर मेरे को एक बात बताओ भाई कि महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं लिखा है कि मेरा वंशज ही करेगा और वहां पे बाद में वो गुरु लक्षण और बता रहे हैं, गुरु का लक्षण महाप्रभु जी ने क्या दिया? वो ये जो जब ग्रंथ लिखे ना तो महाप्रभु जी को संतति नहीं थी, महाप्रभु जी को संतति हुई बाद में, और जब संतति बड़ी हुई तब महाप्रभु जी ने उनको अधिकार दिए। और वार्ता साहित्य में जाके देखोगे तो वार्ता साहित्य तो भरा हुआ है कि जाओ ब्रह्म संबंध मेरे लड़का पास जाके लो। तो क्यों लड़का के पास भेजा? आपने कोई शिष्य के पास 84 में से किसी एक के पास क्यों नहीं भेज दिया?
तो ऐसा नहीं, हर चीज को ग्रंथ ने नहीं ढूंढा जाएगा, ग्रंथ के साथ उसके परपोर्ट रूप में साहित्य भी होना चाहिए। और इसीलिए वार्ता साहित्य अपने आप में सिद्धांत बनता है। वार्ता साहित्य वल्लभ संप्रदाय में दृष्टांत विभाग नहीं है, वार्ता साहित्य अपने आप में सिद्धांत विभाग है। इसी कारण से जो सिद्धांत प्रकट हो रहे हैं वार्ता में, उसका भाव प्रकाश हरिराय जी लिख रहे हैं, क्योंकि वार्ता अपने आप में सिद्धांत है। तो वार्ता जी का जो सिद्धांत है वो आपको बताएगा, कंक्लूड करेगा कैसे वल्लभाचार्य वंशावतंस जो हैं, वो ही ब्रह्म संबंध दान में सक्षम है, वो उनकी अधिकारिता के कारण है, जिसके लिए कल हमने डिस्कस किया था ना, ब्रह्मादिभ्य ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य वंश ऋषिभ्यो नमः। तो वो वंश ऋषित्व जो आएगा वो तुम्हारे में श्री महाप्रभु जी का वो सामर्थ्य लेके आएगा, जिससे जैसे उस काल में ब्रह्म संबंध होता था वो प्रकार के जीवों का, तो इस काल में इन प्रकार के जीवों का भी ब्रह्म संबंध हो सके। तो ब्रह्म संबंध होना जरूरी है, और क्योंकि ब्रह्म संबंध होना जरूरी है, और वो क्यों होना जरूरी है, ताकि वो सेवा मार्ग का अधिकारी बने। वो सेवा मार्ग का अधिकार होना चाहिए, कृष्ण सेवा अधिकारी तो वो जन्म जन्मांतर से, जन्मांतर सहस्त्रेशु तपोज्ञान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। तो वेदों ने, पुराणों ने, पांचरात्र संहिताओं ने, सबों ने मिलके सभी को अधिकारी बताया है। कृष्ण भजन का अधिकारी किसको नहीं बताया है, कृष्ण भजन का अधिकारी हर कोई है। पर तुमको सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की करनी है, तुमको लीला सामग्री का प्रयोग भगवत सेवा आराधन में करना है, तुमको ठाकुर जी की पूजा नहीं करके अगर प्रभु की सेवा करनी है, तो कृष्ण सेवा के लिए जिस सेवा मार्ग में आना पड़ेगा, उस सेवा मार्ग का जो द्वार है, जो गुरुद्वार बनेगा तुम्हारा, वो ब्रह्म संबंध की प्रक्रिया ही बनेगी। और इसी कारण से यहाँ पे एक और जगह पे पुरुषोत्तम जी हैज रिटन ऑन ऑलमोस्ट ऑल वर्क्स ऑफ वल्लभाचार्य एंड ही एक्सप्लेन्स द वर्ड ब्रह्म संबंध दस ब्रह्म संबंधो नाम सर्वस्मिन् भगवत स्वामिकत्व रूप संबंध तस्य करणम नाम भगवता आचार्यान प्रति गद्ये नोक्तो या आत्मसमर्पण प्रकार तद्रीत्या भगवती स्वात्म सहित स्वीय सर्व पदार्थानां भगवती तथा तथात्व विज्ञानम सवे नैव रेमे इति श्रुति क्रीडार्थमात्मन इदं त्र जगत् कृतंते साम्यं तत्र कुदियो पर ईश कुरियो इत्यादि वाक्याच्च वस्तुतः सर्वस्य भगवदीयत्वेपि सवै नैव त्यादि श्रुत्या रमणार्थम द्वितीय निर्माणादि श्रवणात् तेनापादिता तत्तत् पदार्थे जीवस्य स्वत्व स्वीयत्वाभिमतिः तत्परित्यागे तेषु भगवदीयत्व विज्ञापनमिति यावत्। पुरुषोत्तम जी ने तो इतना बड़ा डेफिनेशन ये ब्रह्म संबंध पे दिया है। फ्रॉम द अबव कोटेशंस द रीडर विल बी इन द पोजिशन टू सी दैट द सो कॉल्ड ब्रह्म संबंध हैज रेफरेंस टू कृष्णा एंड नॉट टू आचार्य और इन एनी ऑफ हिज डिसेंडेंट्स। From Vallabhacharya down to the most recent commentator, all the writers have understood that the samarpan is to Purushottam or Shri Krishna and not to any mortal being. In spite of these facts, it would be monstrous to substitute that the word Acharya in place of Purushottam and then to draw the inference that the Vallabhacharya and his sampradaya looked upon immoral practices as sanctioned by his teachings. Of course, we are not in a position to deny that a certain section of the followers and some individuals of the priestly class has degenerated. Such degeneration comes at one time or another in all religions. But to say that the followers and priests were degenerated in one thing and to conclude from their mischievous activities that Vallabhacharya or any of his learned followers, priests or tolerated or sanctioned immoral practices is another thing. Vallabhacharya and his learned descendants have condemned immorality to this day in no uncertain terms. In order to give an idea of this, we shall quote from the writings of Vallabhacharya in his Nibandh, lay down the rules for the guidance of a bhakta. Thus, vairagyam paritosham cha sarvatha na parityaje etad deha vasanetu kritarthasyana samshaya iti nishchitya manasa krishnam paricharet sada sarvapekshaam parityajya dridam kutva manasthiram dridha vishwasato yukta yatha siddhye tathachare vrathalap kriya dhyanam sarvathaiva parityaje yadya निष्टतमं लोके यच्चाति प्रियतात्म प्रियमात्मनः येन स्यान् निवृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधे ध्रुवं स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम् इन्द्रियाश्व विनिग्राह्य सर्वथा न त्यजेत् त्रयम्। और इसके ऊपर गोपीनाथ जी स्पष्ट लिखते हैं, एष हि भागवतो धर्म श्रीमदाचार्य सम्मत। तो श्रीमदाचार्य सम्मत जो भागवत धर्म है
वो यही है कि हम सब कुछ अपना जो भी कुछ है वो प्रभु को समर्पित करके सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसि सुखी भवा, कृतार्थोसि सुखी भव, तुमको सुखी होना है तो अपना जो भी कुछ है वो प्रभु के चरणारविंद में समर्प दो। और प्रभु के चरणारविंद में समर्प दो का मतलब ये नहीं होता है कि बैंकरप्ट होके और घर से नंगे होके और बाहर चले जाओ, उसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारे समस्त इष्ट पदार्थों में प्रथम भोक्तृत्व तुम्हारे इष्ट का हो, तुम्हारे घर बिराजते ठाकुर जी का हो, तुम तुम्हारी सेवा में सबसे पहले तत्परता से हर अपनी इष्ट वस्तु को, यद्यत इष्ट तमाम लोके, जो तुमको लोक में इष्ट, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा सुगंधी लगाना, अच्छा खाना खाना, अच्छे ढंग से विहार करना, घूमना फिरना, जो तुमको पसंद है वो तुम अपने ठाकुर जी में लाके पधराओ और ठाकुर जी को भी उन सब लग्जूरियस गुड थिंग्स का फर्स्ट बेनिफिशियरी अपने ठाकुर जी को मानो, तो तुम कहलाओगे कि हाँ तुम सही भक्त हो और तुम सही ढंग से सेवा कर रहे हो। अभी क्या होता है कि अपने यहाँ एक बहुत जबरदस्त महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, महाप्रभु जी ने आज्ञा करी नवरत्न में, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद कृतम आत्म निवेदनम, यही कृष्ण सात्कृत प्राणी तेषाम का परिदेवन। बहुत सही बात है, जिनके प्राण प्रभु के साथ आत्मसात हो चुके हैं उनको तो फिर कोई क्लेश करने की जरूरत ही नहीं, उनको तो कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन जिन लोगों के प्राण अभी तक प्रभु में आत्मसात नहीं हुए उनका क्या, वो क्या करेंगे, उनको काम आएगा अज्ञानाद अथवा अज्ञानात में अज्ञानाद आत्मनिवेदन। क्योंकि देखो ज्ञानाद आत्मनिवेदन हुआ तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, और अज्ञान दशा में हुआ तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा निवेदन विचार। अब देखो हमारे साथ बची हैं केवल 14 मिनट, कायदे सर हमारे साथ बची हैं 14 मिनट, लेकिन मैं आपका समय खाऊंगा अभी कम से कम 20 मिनट। तो मैं इन 20 मिनट में आपको ये पूरा एक श्लोक श्री नवरत्न का मैं सिद्धांत रहस्य के साथ इसको बिठाना चाहूंगा, क्योंकि सिद्धांत रहस्य में पूरा निवेदन विचार है। निवेदि भी समर्प्य इव सर्वम कुर्यादिति स्थिति नमतम देव देवस्य सामी भुक्त समर्पणम तस्मादादौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यम इति वाक्यम हि भिन्न मार्ग परम मतम सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिद्यति तथा कार्यम समर्प्य इव सर्वेषां ब्रह्मता। ये सब जो बातें हैं इन सब चीजों को समझने के लिए निवेदन को समझना बहुत जरूरी है कि निवेदन क्या है, क्या है आत्मनिवेदन, और आत्मनिवेदन में आत्मा को निवेदन कर दिया। अरे आत्मा को निवेदन करने की क्या जरूरत है, आत्मा में तो खुद दूसरे भाग में अंतर्यामी परमात्मा बैठा है, फिर काय बात का आत्मनिवेदन, प्रश्न बहुत से उठेंगे। क्योंकि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते इत्यादि श्रुतियों में भी बताया है कि तुम्हारे जीवात्मा और अंतर्यामी परमात्मा साथ में बैठे हुए हैं। एकायनौ स्वौ द्विफलस्त्र मूल चतुरस पंच विदर्शनात्मा सप्तत्व अष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो आदि वृक्ष। तो ये आदि वृक्ष रूपी इस देह पे फिर द्विखग बैठे हुए हैं जीवात्मा और अंतर्यामी परमात्मा। तो ऐसी स्थिति में यह आत्मनिवेदन करने की क्या जरूरत है, गीता जी में भगवान खुद कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेरजन तुष्टति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। तो ईश्वर मेरे हृदय में बैठा है तो मैं किस ईश्वर को जाके आत्मनिवेदन करूं। ऐसे बहुत से विचार मनुष्य को प्रकट होंगे जब हम उसको कहेंगे तेरा आत्मनिवेदन किया जा रहा है। अच्छा आप खुद कह रहे हो मम इवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, आप खुद कह रहे हो यो यदंश सतम भजे, तो मैं उसी का अंश हूं तो मैं उसका भजन करने का तो अधिकारी, जन्म जन्मांतर से हूं, फिर मुझे कौन सा अधिकार तुम देने वाले हो कि जिससे मुझे कृष्ण भजन का अधिकार मिलेगा। ऐसे जब प्रश्न मनुष्य के हृदय में आते हैं, ये थोड़े तात्विक प्रश्न है, आज के मूढ़ जनों को नहीं आते, आज के वैष्णव को कोई पंचायत ही नहीं इन सब बातों से, लेकिन पुराने लोग ये सब पूछते थे। तो जब पुराने लोग पूछते थे तो पुराने लोग जवाब देते थे, वो जवाबों का संग्रह आज भी अपने सौभाग्य से अपने पास, इसलिए मैं आपकी 10 मिनट एक्स्ट्रा आज खाऊंगा। आप यहाँ पे शांति से मेरे साथ इसको धैर्यपूर्वक श्रवण करें। इस पूरे निबंध का नाम भी निवेदन विचार है। अथेदम विचारेति किम नाम निवेदनम। अब यही पहले तो विचार कर रहे हैं निवेदन का मतलब क्या होता है, किम प्रयोजनम प्रयोजनकम कति प्रकारकम चेति, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका प्रयोजन है और कितने प्रकार से ये होता है। तत्र अब यहाँ पे ये एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम इत्यत्र दारादयो निवेद्यत्वेन निर्दिष्टः। ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जी में ये पद्य है, इष्टम दत्तम हुतम जत्तम वतम यच्चात्मन प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम।
तो जब ये सब कुछ निवेदन करने को कहा है, दारान मतलब पति, मतलब मैंने कहा स्पाउस, सुतान अपने बच्चे, ग्रहण अपना घर, प्राणान और जितनी भी वस्तु परस्मयी है, मेरी है लेकिन बाहर मुझसे, वो सब चीजों को प्रभु में धर देना, बराबर। तो इत्यत्र दारादयो निवेद्यत्वेन निर्दिष्टा एवं धर्मेर मनुष्याणाम उद्धव आत्म निवेदिनाम इत्यादि पदेन देह जीवयो निवेदत्वेनोक्तो आत्म शब्दस्यो भयद्वाचकत्वात् तथा च आत्मनो जीवस्य देहेन दारा भी सह भगवत सेवोपयोगी करणम आत्म निवेदनम तच्च त्रिविधम। ये कह रहे हैं कि इससे, ये इत्यादि वाक्यों से, ये तीन वाक्य यहाँ श्रीमद भागवत जी में से इन्होंने दिए और इन सबों से ये समझ में आया कि आत्मा जीव और देह का दारादि के साथ मिलके प्रभु को भगवत सेवोपयोगी करणम, इन सब चीजों में भगवत सेवोपयोगिता आ जाना, ये सब चीजों के लिए जो निवेदन है उसको निवेदन शास्त्र में कहा गया है, संप्रदाय में कहा गया है। अब उसके तीन प्रकार बताए हैं, इनने पूछा ना कति प्रकारकम चेति त्रिप्रकारकम चेति। अब यहाँ पे ये श्री महाप्रभु जी का वचन उद्धृत कर रहे हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् कृतम आत्मनिवेदनम, यही कृष्ण सात्कृत प्राणे तेषां का परिदेवनेति नवरत्न ग्रंथात तत्र। अब देखो सबसे पहला प्रकार ब्रह्म संबंध का, कृष्ण सात्कृत प्राणेर यद आत्मनिवेदनम तद उत्तमम, जब तुम्हारे प्राण प्रभु के साथ जुड़ गए और फिर जो तुमने अपना सब कुछ था वो प्रभु को जब समर्पित किया तो वह उत्तम उत्तम प्रकार का ब्रह्म संबंध हुआ। दूसरा, भगवत स्वरूप स्वरूप निवेदन स्वरूप ज्ञान पूर्वकम आत्म निवेदनम तन्मध्यमम, भगवत स्वरूप का ज्ञान मतलब भगवान का क्या स्वरूप है, स्वस्वरूप जीव का क्या स्वरूप है, इन तीनों को जान के इसके ज्ञान पूर्वक तुमने आके आत्मनिवेदन किया वो मध्यमम, वो मध्यम प्रकार का हुआ। और तीसरा की कैटेगरी यहां बता रहे हैं अपन लोग सब, प्रेम ज्ञान उभय राहित्येन, जिनमें ठाकुर जी के प्रति प्रेम भी नहीं है, ठाकुर जी के प्रति ज्ञान भी नहीं, रूप जी हाँ जी क्या हम सब आ गए हैं वापस? हाँ प्रभु। अच्छा आप लोग सब श्रवण कर पा रहे हैं? हाँ जी ठीक है, वो कल की तरह हुआ, अचानक हम अंतर ध्यान हो गए। तीसरा प्रकार, प्रेम ज्ञान उभय राहित्येन केवलम पुष्टिमार्गीय गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण जन्य आत्मनिवेदनम तृतीयम। प्रेम भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, उभय से हम रहित हैं, केवल पुष्टिमार्गीय गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण जन्य जो आत्मनिवेदन हुआ वो तीसरे प्रकार का निवेदन हुआ। एवं त्रि प्रकार के निवेदने यद उत्तमम तक प्रेमोत्पत्ति पश्चात भावी। ओहो देखो कह रहे हैं उसमें भी उत्तम प्रकार का जो आत्मनिवेदन बताया यही कृष्ण सात्कृत प्राणी वाला, वो कब होगा? जब प्रभु में पूर्ण रूप से प्रेम स्थापित हो जाएगा और प्रेमानंतर जब तुम प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित करोगे, प्रेम होने के बाद उसको उत्तम प्रकार का बताया फर्स्ट। दूसरा, द्वितीयम पुष्टिमार्गीय ग्रंथाध्ययन गुरु उपदेश जन्य ज्ञानांतरोत्पत्तिकम, जब तुमने पुष्टिमार्गीय ग्रंथों का अध्ययन किया, पुष्टिमार्गीय गुरु से उपदेश प्राप्त किया, उनके पास बैठ के अध्ययन किया और उससे उत्पन्न जो ज्ञान हुआ उससे जो तुमने जाके किया वो दूसरे प्रकार का। और तृतीयम तू केवलम पुष्टिमार्गीय गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोपदेशोत्तरम भावी। और तीसरा, तो केवल गुरु कृपा से ही जो तुम्हारा ब्रह्म संबंध हुआ है उनके मुख से मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण द्वारा वो तीसरे प्रकार का है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, नवरत्न अज्ञानाद्य निवेदन मुक्तम तत् पंचाक्षर मंत्रोपदेश मात्र जन्यमिति बोधव्यम।
और इसी को बताने के लिए वहां अज्ञानाद शब्द का प्रयोग महाप्रभु जी ने किया। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद में अज्ञान दशा में भी तुम ब्रह्म संबंध करो, वो कौन से अर्थ में कहा है, इसी अर्थ में कहा है कि जब तुमको कुछ नहीं पता ना तो केवल पुष्टि मार्गी गुरु मुखोद्गत सगद्य पूरे गद्य मंत्र के साथ, मतलब सहस्त्र परिवत्सर से लेकर और दासोहम तक गद्य और पंचाक्षर प्रभु का नाम और तवास्मी शब्द, ये इसको बोल के जो पूरा वो पंचाक्षर बनेगा, वो पंचाक्षर का उच्चारण जब तुम गुरु की साक्ष में करोगे तो तुमको वो तीसरे प्रकार से भी ब्रह्म संबंध तो स्थापित होगा ही, ये बताने के लिए ही नवरत्न ग्रंथ में महाप्रभु जी ने अज्ञान शब्द का वहां प्रयोग किया है, ये यहाँ बता रहे हैं। और उसके ऊपर कह रहे हैं समझो, नवरत्न अज्ञानाद्य निवेदन मुक्तम तत् पंचाक्षर मंत्रोपदेश मात्र जन्यमिति बोधव्यम एवं त्रिप प्रकारक निवेदनस्य प्रयोजनम भगवत सेवा। और इन तीनों प्रकार के ब्रह्म संबंध का एक ही प्रयोजन है और वो है भगवत सेवा, और तत्तया कृतार्थत्वम, और उसी से कृतार्थता होगी। कैसे? तो कहा उद्धव आत्म निवेदिना मई संजायते भक्ति कौन्योर्थस्या विशिष्यते इति वाक्यात् इह वाक्ये आत्म निवेदानंतरम भक्ति शब्देन प्रेम सेवा मुक्त्वा कौन्योर्थस्या विशिष्यते इत्येनन कृतार्थत्वमुक्तम्। मतलब ननु, अच्छा ये कह रहे हैं कि इस वाक्य में भगवान ने खुद कह दिया है कि आत्म निवेदन से जन्य जो भक्ति तेरे में उत्पन्न होगी उसके ऊपर प्राप्त करने को कुछ नहीं रहा, मतलब उससे तो मेरी सेवा मिलेगी और जिसको मेरी सेवा मिल रही है उसको अब और कुछ प्राप्त करना नहीं रह गया भक्ति मार्ग में। इसलिए यहाँ समझा रहे हैं भक्ति शब्द है ना प्रेम सेवा मुक्त्वा, और भक्ति शब्द में प्रेम को ही सेवा बताया है। कैसे बताया है साहब? भज धातु में तिन प्रत्यय लगने से। भक्ति शब्द कैसे बनता है? भज धातु में जब तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है तो भज धातु सेवायाम, और तिन प्रत्यय बताता है कि उसमें प्रेम का संपादन होना। तो जब तुम प्रेम से किसी की सेवा करते हो तब भक्ति शब्द बनता है, और जब भगवान कह रहे हैं कि मई संजायते भक्ति, तो आत्मनिवेदन से मेरी भक्ति मिलेगी। आत्मनिवेदन से भक्ति कैसे मिलेगी? आत्मनिवेदन तो खुद एक प्रकार की भक्ति है, तो वहां कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं? आत्मनिवेदन से तुझको मेरी सेवा मिलेगी। तो ठाकुर जी जो अपनी सेवा देना चाह रहे हैं ना, ये उस सेवा के अर्थ में बात हो रही है। ये सेवा मार्ग है, भगवान मार्ग है, ये गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तक आचार्य का मार्ग है। ये समझो बात को, यहां समझा रहे हैं ननु पित्रा कृते निवेदने पुत्रस्य भगवदीयत्व सिद्धे पुनः पुत्रेण किमर्थम निवेदनम विधेयमिति चेत् सत्यम। ये कह रहे हैं कि अरे बताओ, जब बाप ने हाथ में तुलसी लेके बोल दिया मैं मेरा बेटा भी तुमको समर्पित करता हूं, तो फिर अलग से बेटे का ब्रह्म संबंध कराने की क्या जरूरत है? तो कहे हाँ बराबर है, अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, अब सुनो क्यों भाई बेटे का ब्रह्म संबंध जरूरी है। भगवदीयत्वेपि स्वदेहादो स्वकीयत्व ध्यास निवृत्ति मंत्रेण न भगवदीयत्व बुद्धि उत्पद्यते। जब तक उसका अध्यास निवृत्त नहीं होगा, जब तक देहाध्यास प्राणाध्यास इंद्रियाध्यास अंतकरणाध्यास स्वरूप विस्मृति, जब तक पंच परवा अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक एक इंडिविजुअल की अध्यास निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए उसको भी वो करना ही पड़ेगा जिससे उसकी खुद की भी अध्यास निवृत्ति हो। अब उसमें प्रमाण क्या दे रहे हैं देखो, अतः सेवई रेव स्वस्वाध्यास निवृत्त ये पृथक पृथक निवेदनम कार्यम। इसलिए अपने अपने अध्यास की निवृत्ति के लिए अपने अपने को लेना पड़ेगा। सर्वानेव जीवान अधिकृत्य निवेदनस्य वितत्वात्, सभी को आत्मनिवेदन संस्कार सुलभ है, सभी को अपने अपने जीव को सर्वेशाम देह जीवयो, हर सर्वेशाम देह जीव को जाके आत्मनिवेदन करना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं सक्षम आत्म निवेदनम नृणाम मयम परो धर्म सर्वेशाम समुदाति सप्तम स्कंदे युधिष्ठरम प्रति नारद वाक्यात। ये जो है ये नृणाम अयम परो धर्म, ये हर व्यक्ति का परम धर्म है कि वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्म निवेदनम इस प्रकार से गुजरे तो तुम गुजर गए, मतलब उसको भी उस चीज का फल मिलता रहेगा। ऐसा नहीं, उसको भी इस चीज से गुजरना जरूरी है, ऐसा नारद जी का वचन है युधिष्ठिर को सप्तम स्कंद में, उस पे बता रहे हैं। अतः शास्त्र सिद्धत्वात् पृथक पृथक अनुष्ठेयम, इसलिए क्योंकि शास्त्र सिद्ध है अलग अलग व्यक्ति का ब्रह्म संबंध, इसलिए उनका ब्रह्म संबंध होना चाहिए। तथा च विशेष तो भगवदीयत्वं सेत्स्यति अधिकस्याधिकं फलमिति न्यायात्। और इससे क्या होगा, तुमको जैसे भगवदीयत्व संपादित हुआ है तुम्हारे बेटे को भी भगवदीयत्व संपादित होगा, तो अधिकस्य अधिकं फलमिति न्यायात्। यथार्जुनस्य वैष्णवत्वेन पूतत्वेपि पौत्र परीक्षित भक्त्या विशेषता पूतत्वम्। इसी प्रकार से देखो, अर्जुन भक्त था, अर्जुन में भक्त भी, भक्तत्व भी था वैष्णवत्व भी था,
लेकिन उससे ज्यादा पवित्र परीक्षित उसके घर में जन्म हुआ। तो कोई पूछेगा कि भाई अर्जुन बड़ा भक्त था कि परीक्षित बड़ा भक्त था, तो बोलना पड़ेगा नहीं भाई, परीक्षित राजा ज्यादा बड़ा भक्त था, क्योंकि भगवान की परीक्षा तो उसने गर्भ में ही करके भगवान के स्वरूप को जान लिया था। और यहाँ तो अर्जुन को तो जब तक भगवान ने नहीं कहा कि ले बेटा दिव्यम ददामि ते चक्षुर पश्यमे योगमैश्वरम, तब तक वो भगवान के योगिक ऐश्वर्य को नहीं देख पाया था। तो जिसने आंख भी नहीं खोली, जिसने जन्म भी नहीं लिया, उस समय से जो भगवत सामर्थ्य को जान पाया है वो परीक्षित है। और जो भगवान के सामर्थ्य को हर पल अनुभूत कर रहा है, अनुभव कर रहा है, फिर भी प्रभु में सख्य भाव रख रहा है, भगवत भाव नहीं रख रहा है, ऐसा अर्जुन परीक्षित अपेक्षा तो मूर्ख ही था वो। तो इसलिए अर्जुन में कितना भी हम वैष्णवत्व माने, कितना भी भगवदीयत्व माने, पर भगवान ने भी उसको बारंबार कहा है कि भक्तों की मैं सखा चेती रहस्यम येदम उत्तमम, तू भले मेरा भक्त है परंतु मेरा सखा भी है। क्योंकि वो भी बार बार भूल नहीं पाता है कि कृष्ण मेरे सखा है, मेरे कजिन है, मेरे भाई है। वो हर समय को ये बुद्धि नहीं रखता है कि ये साक्षात ईश्वर है। तो जो व्यक्ति ये ईश्वर भाव रखता है कृष्ण में वो परीक्षित है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यथा अर्जुनस्य वैष्णवत्वेन पूतत्वेपि पौत्र परीक्षित भक्त्या विशेषता पूतत्वं त्रिसप्तभिः पिता पूत इति प्रह्लादं प्रति भगवद् वाक्यात्। और क्या हुआ है, त्रिसप्तभिः पिता पूत मतलब सात सात पीढ़ी तरेंगी, मतलब सात पीढ़ी पिता के वंश में, सात पीढ़ी माता के वंश में, और सात पीढ़ी पत्नी के वंश में, या यूं कहो अपने पुत्र के वंश में। तो इतने प्रकार से सात सात और सात 21 पीढ़ी तरेंगी यदि एक वैष्णव एक घर में जन्मेगा। इति प्रह्लादम प्रति भगवद वाक्यात् यस्य वंशे वैष्णव उत्पन्न स पवित्रो भवत्येति सर्वसत्सम्मतम् स्वयं वैष्णवो वैष्णव वंश करता चेत विशेषता पूतो भवति। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि एक वैष्णव के होने से 21 पीढ़ी तरेंगी, तो अगर हर पीढ़ी पे वैष्णव होगा तो कितनी पीढ़ियां करेंगी, तो फिर हर पीढ़ी को वैष्णव क्यों नहीं करना, ऐसा तर्क ये दे रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि अधिकम तत्रानुप्रविष्टम न तु तद्धान रीति न्यायात एवं निवेदन अपि ज्ञेयम्। ऐसा ही निवेदन में भी समझो, ननु अज्ञानात केवल मंत्रोच्चारण कथम निवेदन सिद्ध रीति चेत सत्यम। अब कोई कह रहा है कि क्या मंत्रोच्चारण खाली कर लेने से तुम्हारे को क्या सिद्धि हो जाएगी ब्रह्म संबंध की, तो कह सत्यम, तुम्हारा ये भी ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ज्ञानाभावेन केवलं मंत्रोच्चारणेन अपि धर्म सिद्धेर बालाद उपलभ्य मानत्वा तन्न्याये नात्रापि नत्रापि नात्रापि निवेदन सिद्धिरित्या कलित्यव्यं। बालो हि दानादि धर्मं कुर्वन् पिता पित्रादि शिक्षया दातुमहं समुत्सृजे इत्यादि पदमुच्चारयन् स्वरूपमज्ञानन्नपि दानफलम् आप्नोति। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र के प्रति दान करे तो केवल उसके संकल्प लेने से दान का फल उसको मिलता है, या जैसे कन्या दान करी जाए तो कन्या के संकल्प न करने पर भी पिता के संकल्प मात्र से जैसे कन्या का दान फलित होता है, तो उस प्रकार से ये दो तीन दृष्टांत यहाँ दे के समझा रहे हैं कि बालो ही दानादि धर्मम कुर्वन पित्रादि शिक्षा दातुम हम समुत्सजे इत्यादि पदम उच्चारयन स्वरूपमज्जन्न अपि दान फलम आप्नोति तत्राच्च स समर्पण गद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारणे समर्पयामिति पदमुच्चारयन् तत्तत् स्वरूपमज्जन्नापि मजान्नपि समर्पण फलम् आप्नोति। यथा वा रोगाद्यातुर्कृत धर्मे मूर्खकृत धर्मे शब्दोच्चारण मात्रेण सिद्धि एवं उच्चारण मात्रेण निवेदन सिद्धिरिति मंजुलमखिलम्। ये कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति न जानता हो कि वो क्या उच्चारण कर रहा है, फिर भी यदि कोई पंडित उसको उसके लिए दान करवावे, उसके लिए रोग आदि के निवर्तन के लिए उससे कोई ग्रह आदि का दान करावे, तो वो सब चीजों का बोलने वाला कौन होता है, वो दूसरा, लेकिन करने वाला क्योंकि वो खुद होता है इसलिए उसको उन सब दान आदि का फल मिलता है। उसी प्रकार ब्रह्म संबंध का दान करने वाले ठाकुर जी हैं, ब्रह्म संबंध कराने वाले वल्लभाचार्य चरण हमारे श्रीमद आचार्य चरण है, उनका साक्षी रूप तुम्हारा गुरु है और तुम केवल करने वाले हो। तो क्योंकि वहां तीन जन और जो खड़े हैं उनको पता है क्या हो रहा है, इसलिए उस प्रक्रिया का फल तुमको प्राप्त होता है। ये यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं। दूसरा यथा अनु, अच्छा अब ये लास्ट एक शंका उठा रहे हैं और वो खैर आज अपने मैटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मेरे साथ बहुत लोग मर्यादा मार्ग से रिलेटेड भी हैं, तो अगर उनमें से किसी को ये प्रश्न हो तो मैं अभी समाधान रूप में ये यहाँ बताना चाहूंगा। मैं एक मिनट आपको हुँ।
ये यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ एक बहुत जबरदस्त प्रश्न इन्होंने एक और उठाया है, ननु एक गुरु एक गुरोर उपदेश ग्रहणे दंपत्यो हो परस्परम भ्रातृत्वाद्यापत्ति ही तद भिया गुरु पार्थक्यम एव कर्तव्यम नत्वेक गुरुमत्वमिति चेन्न। ये प्रश्न उठा रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है कि अगर पति पत्नी एक ही गुरु से ब्रह्म संबंध लें या दीक्षा लें किसी भी मंत्र की तो वो आपस में भाई बहन हो जाते हैं, तो क्या ऐसा हो जाएगा तो हम हमारा लौकिक धर्म निर्वाह कैसे करेंगे? तो क्या पति पत्नी को एक ही गुरु करना चाहिए कि पति को अलग गुरु और पत्नी को अलग गुरु करना चाहिए ताकि वो वैष्णव भाई वैष्णव बहन न हो जाएं? ऐसा अगर किसी को प्रश्न हो तो वहां पे समझा रहे हैं कि नत्व एक गुरु मित्रिति चेत न आचारो धर्म मार्गश्च गुरुर मंत्रश्च देवता दंपत्य पत्य भृत्येषु एकीकृत्य महत्फलम। आचार विचार, धर्म मार्ग, गुरु, मंत्र और देवता, ये प्रायः दंपतियों को एक ही करने चाहिए तभी महान फल मिलता है। मतलब एक पत्नी किसी और धर्म में मानती हो, तुम कोई और धर्म में मानते हो, उसका देवता अलग, तुम्हारा देवता अलग, उसका मंत्र अलग, तुम्हारा मंत्र अलग, उसका गुरु अलग, तुम्हारा गुरु अलग, ऐसा जीवन हो तो फिर काय बात का दाम्पत्य और काय बात का गृहस्थ धर्म? तू तेरा कर मैं मेरा करूं तो शादी करी है कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भाई? ये सब एक ही होना चाहिए। तो ये यहाँ कह रहे हैं आचारो धर्म मार्गश्च गुरुर मंत्रश्च देवता दंपत्य पत्य वृत्तेषु एकीकृत्य महत्फलम इति साधन दीपिकास्त पद्मोत्तर खंड वाक्यात। ये पद्मोत्तर खंड मतलब पद्म पुराण के उत्तर खंड का वाक्य यहाँ उद्धृत किया गया है। देहज संबंध एव तथात्वेन पारमार्थिक निवेदन मंत्रोपदेश संबंधे गुरुवैक्यपि दोषाभावात्। क्योंकि सब जगह पे एक गुरु के पास ही पति पत्नी जाकर ले दीक्षा, इस प्रकार का ही सभी धर्म शास्त्रों में मिलता है और इसमें कहीं भी कोई ऐसा वाक्य नहीं मिलता कि जहां निषेध किया गया। अब उसके दृष्टांत में कह रहे हैं कि अयमेव गुरुकत्व रूप संबंधो न लौकिक किंतु भगवत प्राप्ति संबंधत्वात् अलौकिक। अलौकिक संबंधनस्य लौकिक पदार्थे दोष जनकत्वं नास्त्येव अतो नैक गुरुकत्वे दंपत्योर भ्रात्र भगिनीत्वापातः अन्नदाता भयत्राता पत्नीतातः तथैव च विद्यादाता जन्मदाता पंचैते पितरोर्नाम। पांच प्रकार के पिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए गए हैं। पहला बताया है अन्नदाता, तुम्हारे को अन्न देने वाला। दूसरा भयत्राता, तुमको किसी संकट में से छुड़ाने वाला। तीसरा पत्नी तातस तथैव च, अपनी पत्नी का पिता, वो भी तुम्हारा धर्म पिता बताया गया है। और विद्यादाता जन्मदाता, विद्यादाता में गुरु, गुरु क्योंकि ब्रह्म विद्या का दान करते हैं, मंत्र दान करते हैं, मंत्र विद्या और ब्रह्म विद्या देने के कारण गुरु भी पिता माने गए हैं। तो विद्यादाता जन्मदाता पंचैते पितरो नाम, इनको शास्त्र में पिता कहा गया है। तो वहां अगर पत्नी तातस तथैव च भी कहा गया है तो पत्नी का पिता मतलब अपना ससुर, तो अपना ससुर यदि पिता हो गया तो वो कोई अपनी बहन थोड़ी हो गई, वो तो पत्नी तो पत्नी ही रही ना। तो उसी प्रकार से यदि विद्यादाता के रूप में गुरुदेव ब्रह्म विद्या का दान करने वाले और मंत्र विद्या का दान करने वाले एक ही रहे तो भी हमारे यहाँ दोष नहीं है। इसीलिए एक गुरु दंपति का हो ये आग्रह रखना चाहिए। अभी तो ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि यदि हमने एक गुरु से ही दीक्षा ली या हम शिक्षित हुए तो हम गुरु भाई बहन हो जाएंगे। और फिर उसके आगे निवेदन विचार में बहुत सारे पौराणिक दृष्टांत दिए गए हैं कि किन किन गुरुओं ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या से अपने योग्य शिष्यों का वर्ण करवाया है। और कहीं कहीं पे बहुत अपने अच्छे गुरु की सुंदर कन्या को देखकर शिष्यों ने भी अपने गुरु से मांगा है कि खैर जूम तो मुझे अब खुद चुप रहने को कह रहा है तो मैं सभी से अभी क्या ठीक है। वेल, तो मैं इस प्रकार से ये अपने विषय को मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूंगा कि भाई इतने प्रकार से हमारे यहाँ एक आत्मनिवेदन एक ब्रह्म संबंध पे इतने इतने गंभीर विचार हुए हैं। बहुत लोगों को कुछ प्रश्न बहुत ऐसे लगते हैं कि क्या ऐसे प्रश्न होते थे
पहले के लोगों को, लेकिन पहले का समाज बड़ा धर्म भीरू था और पहले का समाज बहुत ज्यादा धर्माग्रही भी था। तो जो धर्म समर होते थे वो अपने गुरुदेव के समक्ष रखते ही थे और उनको यथोचित उत्तर अपने गुरु से प्राप्त होता ही था। बस इन्हीं प्रकारों से बड़े बड़े संप्रदायों का सृजन हुआ और संप्रदाय की अपनी अपनी विचारधाराएं समाज में आई और समाज ने उन विचारधाराओं के अनुरूप अपने जीवन को ढाला और अपने जीवन को संप्रदाय को समर्पित किया। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी से आश्रय के पद के साथ आज्ञा लेना चाहूंगा आज, और मैं पुनश्च यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों को खूब आशीर्वाद देता हूँ। आपका जो भी ब्रह्म संबंधी जीवन हो उसमें आपकी भगवत सेवा और बढ़े, भगवत नाम आपके जीवन में बढ़े और भगवत नाम के सामर्थ्य से आपके जीवन में शांति और समृद्धि, इन सभी के सोपान उत्तरोत्तर आप चढ़ते चलो। बस इसी शुभकामना के साथ सर्वे वैष्णवानां भक्तिमान भव। दृढ़ैन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ैन चरणन के चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ैन चरणन के साधन और नहीं या कली में जासो हो यनिवे। दृढ़ैन चरणन के रो गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। रूपेश जी। हाँ जी। ओ रूपेश जी। आप प्रभु। हाँ जी। ये अपना जो जूम है, ये जूम सभा जो है, हाँ ये जूम